नो। इतने सारे पैसे ये किसके पड़े हैं? ओह नो। अरे रुको, मेरी बाइक कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा तो ये उसका प्लान था, नकली नोट फेंक के मेरी बैग ले गया। रुको मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। ओह नो। अला सर, एक लड़का मेरी बैग छीन के ले गया है, आपकी साइड पे आया है, आगे नाकाबंदी लगाए, उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। ओके सर, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। ये सुनसान जगह लगती है, इधर छुप जाता हूँ। अरे किधर गया है साला? अरे यार ये तो यहाँ भी आ गया है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे रुक कमीना, मेरी बैग देख, कहाँ जा रहे हो? और रुको। अरे ये फिर यहाँ से निकल गया, शिट यार। हेलो सर, रोड नंबर 2 वाली साइड पे गया है, आप बंदे भेजें। ठीक है सर। यार आज तो बाल बाल बचा हूँ, ऐसा करता हूँ इस बाइक को सेल कर देता हूँ, कहीं इसके चक्कर में मैं फंस ना जाऊँ। अरे ओ कबाड़ी, मोटरसाइकिल बेचनी है, खरीदोगे? हाँ हाँ खरीदूंगा, कितने की दोगे? सिर्फ 5,000 की। सिर्फ भाई 5,000 की? जी जी भाई 5,000 की। ये बैग तो मुझे चोरी की लग रही है। अच्छा मेरा क्या, मुझे तो सस्ती मिल रही है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। चोरी तो इसने की है, फंसेगा भी यही। अरे भाई क्या सोच रहे हो, लेनी है तो 5,000 दो और बाइक अपने नाम कर लो। ये लो भाई 5,000 और बाइक मुझे दो। अरे ये रही मेरी बाइक, रुको मैं आपको बताता हूँ। ओह नो। शर्म नहीं आती, आप मेरी बैग चोरी करते हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैंने अभी 5,000 के लिए। मैं नहीं जानता आपने बैग चोरी की है या नहीं, ये बैग मेरी है। कानून के मुताबिक चोरी की चीज जिससे बरामद हो चोर वही कहलाता है। और तुझे मैं कानून के हवाले करता हूँ, तू सजा अपनी खुद भुगतेगा। सर सर मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानता, चोरी तूने खुद किया, सजा खुद भुगतोगे। कभी भी लालच में आके चोरी की चीज हरगिज मत खरीदें, ताकि आप कल को आप इसकी वजह से किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारा पेज नजर मलिक को फॉलो करें। शुक्रिया।